तो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है वो पेल्विस रीजन पे लोकेटेड होता है जिसमें क्या होता है एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है अलोंग सो विदेसरी बेसिकली जो टेस्ट होती है ठीक है टेस्ट जो रहती है ईच टेस्ट हैज अबाउट टू फिफ्टी कंपार्टमेंट्स ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ठीक है सो गाइस ईच लोब्यूल जो रहता है इट कंटेन्स वन टू थ्री हाईली क्वल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ठीक है सो गाइस ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें स्पोम प्रोड्यूस होते हैं ठीक है सो ईट सेमिनी फेरस ट्रिब्यूल्स जो रहते हैं इट इज लाइन बाई टू टाइप्स ऑफ सेल्स ठीक है जो कि हैं मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स ठीक है सो गाइज अब ये जो मेल जर्म सेल्स होते हैं ये अंडर गो करते हैं रिडक्शन डिविजन दैट इज मोटिक डिविजन ठीक है जिससे क्या फॉर्म होते हैं स्पर्म फॉर्म होते हैं म्योटिक डिवीजन क्या है रिडक्शन डिवीज़न है क्योंकि इसमें क्या रहता है जो मदर सेल होती हैं एंड जो क्रो और जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है क्रोमोजोम नंबर डॉटर सेल्स में हाफ होता है एज कम्पेयर टू दी मदर सेल एंड उसमें डी एन ए का अमाउंट भी हाफ होता है ठीक है सो so, अब ये हमने देख लिया कि मेल जर्म सेल्स जो रहते हैं उसमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है म्योर्टिक डिवीजन से ठीक है और जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन ठीक है दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स ठीक है अब ये जो सेमिनी फेरस टूब्यूल्स के जो बाहर रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंटरशियल स्पेस कहलाती है ये रीजन आउट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है इट कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरशियल सेल्स जिसको हम और क्या बोलते हैं लेडिक सेल्स ठीक है सो so गाइस ये जो लेडिक सेल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स जो कि क्या होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं एंड्रोजेंस ठीक है सो गाइज so ये जो एंड्रोजेंस रहते हैं ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल राइट ऑल्सो

दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर